बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन खबरों और ताज़ा तरीन पेशगोइयों के साथ। नाज़रीन, नवाज शरीफ समेत जो पीडीएम की रुकन जमाते हैं उनके तमाम लुटेरे सबक हुक्मरानों के साथ अमेरिका भी अब वही सलूक करने जा रहा है और वैसी ही बेवफाई का मनसूबा बन चुका है, ऐसा कहना है ज़राए का। जो सलूक उसने अफगानिस्तान से निकलते वक्त अशरफ गनी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, रशीद दोस्तम और शुमाली इतिहाद के जो दूसरे लीडर थे और जो उनके ख़ानदान वाले थे और जो उनकी दूसरी पार्टियों के लोग थे उनके साथ किया था, और इन सब को अपनी लूट मार का पैसा हंगामी तौर पर लेकर मुल्क से भागना पड़ा था, और जो डॉलरों के ब्रीफ केस भर कर ये लोग बाहर ले गए थे और जो मुल्क में जो कुछ बचा था वो सब छोड़कर निकल गए थे, जिस पर फिर तालिबान हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया। नाज़रीन, कमोबेश वैसी ही सूरत हाल यहाँ भी दरपेश होती नज़र आ रही है। ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने, ये पेशगोई हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दें कि अमेरिका क्या करता आया है। ये सिर्फ अफगानिस्तान में ही अपने लोगों को छोड़कर नहीं भागा था, उसने ये सलूक वियतनाम से लेकर ईरान तक हर जगह जहाँ भी उसने हालात ख़राब होते देखे उन लोगों की सरपरस्ती से अचानक हाथ खींच लिया जिनको उसने 20-20, 30-30 साल से हुकूमत के मज़े करवाए थे। जिस तरह ये जो पाकिस्तान के लुटेरे हुक्मरान हैं इन्हें भी मज़े करवाए गए पिछले 30-40 सालों के दौरान, लेकिन अब जब हालात ख़राब होंगे तो आपको पता है फिर रियासतें जो हैं फिर वो रियासतों के साथ ही मामला तय करती हैं। अब तालिबान के साथ वो मामला तय कर रही है पूरी दुनिया। अब शुमाली इतिहाद का, अशरफ गनी का, हामद करज़ई का कोई जिक्र नहीं है, ना मुल्क के अंदर ना मुल्क के बाहर। ऐसा ही होने जा रहा है पाकिस्तान में भी, और असल रजीम चेंज ये होगा। नाज़रीन, अमेरिका की इस तारीख का हवाला हमने इसीलिए दिया कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने ये पेशगोई की है कि मुल्क में जल्द ही एक लाल आंधी चलेगी और सारे करोड़पति अरबपति डाकू लुटेरे हंगामी तौर पर मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे और पाकिस्तान में असल रजीम चेंज होगा और पहली बार सच्चे और मुखलिस लोग हुकूमत में आएंगे और पाकिस्तान इस तेज़ी से मुआशी उड़ान भरेगा कि जिस तेज़ी से लड़ाका तैयारा टेक ऑफ करता है। बाबा जी ने बहुत ज़ोरदार मिसाल दी है कि टेक ऑफ में लड़ाका तैयारा तो बिल्कुल ऐसे देर ही नहीं लगाता, यूँ निकल जाता फौरन। तो इंशाल्लाह आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में सच्चे और मुखलस लोग जूँ ही इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे, ये मुल्क इस तरीके से टेक ऑफ करेगा जैसे लड़ाका तैयारा फ़ज़ा में उभरता है। नाज़रीन, बाबा जी का कहना है कि बहुत से रूहानी लोगों को यही मंजर नज़र आ रहा है कि इस मुआशी व सियासी टेक ऑफ की पायलट सीट पर कप्तान बैठा हुआ है, यानी इमरान खान बैठा हुआ है। अल्लाह ताला बाबा जी के इन अल्फाज और इस पेशगोई को जल्द अज़ जल्द पूरा करे, क्योंकि 75 बरसों में पाकिस्तानी कौम बड़े दुख झील चुकी है और अब तो महंगाई की हालत नाज़रीन ये है कि एक एक हफ्ता और एक एक महीना निकालना मुश्किल हो रहा है। और नाज़रीन, आज आपको हम एक और बड़ी दिलचस्प किस्सा भी सुनाते हैं कि किस तरह जो पटवारी सहाफ़ी हैं वो भी अब दुहाइयाँ दे रहे हैं कि जो मुल्क के हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं और नवाज शरीफ से अपीलें कर रहे हैं कि खुदारा आप वतन वापस ना आएँ, क्योंकि अगर आप वापस आ गए तो एक ऐसी दलदल में फंस जाएंगे कि फिर उसमें से निकलने का कोई उन्हें आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये पटवारी सहाफ़ी कौन है, बहुत सीनियर सहाफ़ी है और उसने ये जो बात की है ये दिलचस्प तफसील आपके साथ शेयर करने से पहले हम हसबे मामूल अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, नुसरत जावेद पुराने और सीनियर सहाफ़ी हैं और कालम नवीस भी हैं और मुल्क के जो इब्तदाई एंकर्स हैं वो उनमें शामिल हैं और बहुत अच्छा तज़िया भी करते हैं और कभी कभार हक गोई भी फरमा लेते हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि वो अंदर से पक्के पटवारी हैं और शरीफ ख़ानदान से के जो पुराने कासा लेसों में वो शामिल किए जाते हैं। कल उन्होंने कुछ ऐसे इरशादात फरमाए हैं कि हर सुनने वाला हैरान रह गया है कि भाई ये पटवारी सहाफ़ी और सीनियर सहाफ़ी, बड़े जहांदीदा सहाफ़ी और जिनका आवाम के साथ रबता है, वो ऐसी बातें कर रहा है। उनका कहना ये था कि वो रोज़ाना 15-20 लोगों से मिलते हैं और उन लोगों से भी उनकी तफसीली मुलाकातें होती हैं जो पिछले कई अशरों से नून लीगी हैं, और इन लोगों की बड़ी तादाद का ये कहना है कि वो आम इंतखाबात का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि नून लीग के खिलाफ वोट डालकर वो अपने अंदर लगी हुई आग को कुछ ठंडा कर सकें। जी नाज़रीन,
साफी भी पटवारी है और जिनका वो हवाला दे रहा है वो भी नून लीगी हैं, नून लीगी घराने हैं। कहता है वो ये कह रहे हैं कि उनके अंदर जो लगी हुई आग है, ये 16 महीनों में जो महंगाई से उन्होंने भस्म किया है हर घराने के किचन को, हर घराने के बजट को, उसकी वजह से हर सीने में एक आग लगी हुई है और वो चाहते हैं कि इस आग को वो कुछ ठंडा करें ताकि इलेक्शन आए और वो नून लीगियों के खिलाफ वोट डालें। नुसरत जवेद का नाज़रीन ये कहना है कि आम लोग तो नून लीग के खिलाफ हैं ही, लेकिन जो पुराने नून लीगी घराने हैं कई अशरों से, उनसे उनके भी 25% से ज़्यादा लोग नून लीग के बागी हो चुके हैं नाज़रीन। हालांकि वो चूँकि आपको पता है कि वो खुद भी नून लीगी हैं, इसलिए उन्होंने ये जो फिगर है कुछ कम करके बताया होगा, लेकिन फिर भी जो पक्के नून लीगी हैं उनमें से भी उन्होंने कहा कि 25% ये कह रहे हैं कि हुण इलेक्शन आण दो, असी वोट पा के अपने सीने लगी हुई आग ठंडी करांगे। नाज़रीन नुसरत जवेद ने दुहाई दी है कि ना नून लीग वाले नवाज शरीफ को आवाम में पाई जाने वाली इस शदीद नफरत की लहर से आगाह कर रहे हैं और ना इस्टेब्लिशमेंट उन्हें कुछ बता रही है। ये किसने कहा है? नुसरत जावेद ने अपनी ताज़ा तरीन वीडियो में नाज़रीन। और वो कह रहे हैं कि अगर इसी गलत फहमी का शिकार होकर नवाज शरीफ वतन वापस आ गए तो वो इतने बुरे फंसेंगे कि फिर उन्हें बाहर निकलने का उस दलदल से चारा ही नहीं मिलेगा। नाज़रीन ऐसा कई बार हो चुका है, पहले भी बहुत से लोगों ने ये सोच करके हम बहुत मकबूल हैं, आवाम हमारे साथ हैं, वो वापस आए हैं, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि आवाम तो उनके साथ नहीं थे। नवाज शरीफ पहले भी आपको याद है 2-3 दफ़ा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, जब जलसे में नारा लगता था तो फिर उन्होंने खुद ही कहा था कि भाई जब नवाज शरीफ ने कदम बढ़ाया उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा कोई भी साथ नहीं था, तो अब उन्होंने पीछे मुड़ कर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सामने भी देखेंगे तो कोई नज़र नहीं आएगा। तो नाज़रीन इसी के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे ही मौजूदात के साथ और कुछ पेशगोइयों के साथ जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को आप इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।